हेलो दोस्तों, 14 पार्ट ऑफ HTML सीरीज में आपको मैं वेलकम करता हूं। और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल, और आप देख रहे हैं कोडिंग विद बिलाल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप किसी दूसरी वीडियो के कंटेंट, किसी दूसरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में किस तरीके से शो करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है कि आप किसी की भी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में आप बहुत आराम से शो करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे ये काम? तो सबसे पहले हम एक टैग इसमें ओपन करते हैं, बॉडी के टैग में आई फ्रेम। आई फ्रेम का टैग जब आप ओपन करते हैं तो इसमें फ्रेम बॉर्डर में हम हटा देते हैं, हमारा काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें कोई बॉर्डर नहीं प्रोवाइड करना है यहाँ पे। तो सोर्स का जो टैग है आपका, वो बेसिकली जो एट्रीब्यूट है आपका, सॉरी, वो एट्रीब्यूट के अंदर आप प्रोवाइड करेंगे कि आपकी वेबसाइट कौन सी, आपने वेबसाइट शो करवानी है। मैंने यहाँ पे BBC की वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है। मैं इसका URL कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे अपने VS कोड में इस URL के को सोर्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जैसे मैं URL को सोर्स में प्रोवाइड करता हूँ, तो ये जो आप देख रहे हैं कि BBC की जो वेबसाइट है, वो हमारे पास यहाँ शो होना शुरू हो गई है। लेकिन ये काफ़ी छोटी शो हो रही है, तो इसको बहुत आराम से आप बड़ा कर सकते हैं। विड्थ देखें, विड्थ हमने 500 प्रोवाइड कर दी, तो ये देखें आप, हमारे पास ये वो ज़्यादा नहीं हुई है, हम 800 कर देते हैं, जिससे ये हमारे पास शो हो गई है। इसी तरीके से आप हाइट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और हाइट आपने 1000, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 प्रोवाइड कर दी, तो ये इतनी बड़ी आपके पास शो हो रही है। आप चाहें तो इसे कम कर सकते हैं, 800 by 700 कर लें, और ये हमारे पास अब भी काफ़ी बड़ी है। हम इसको 400 कर लेते हैं, और ये आपके पास अब बिल्कुल प्रॉपर शो हो रही है। तो ये आपकी वेबसाइट के अंदर कोई और वेबसाइट शो हो रही है आई फ्रेम के टैग के इस्तेमाल करते हुए, राइट? तो बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है आई फ्रेम का टैग। ना सिर्फ आप किसी वेबसाइट को शो करवा सकते हैं, बल्कि आप एक यूट्यूब की वीडियो भी शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे यूट्यूब का URL कॉपी किया, और मैं यहाँ पे इस URL को पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस URL को पेस्ट करता हूँ, तो हम जाके देखते हैं कि हमारी अब किस तरीके से शो होती है। हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, ओके। तो दोस्तों, ना सिर्फ आप किसी वेबसाइट को शो करवा सकते हैं, बल्कि आप YouTube की वीडियो को भी शो करवा सकते हैं। बहुत आसान है। कैसे? हम चलते हैं YouTube की वीडियो के ऊपर, और मैंने यहाँ एक वीडियो खोल के रखी हुई है, और मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पे एम्बेड पे क्लिक करूँगा। तो जैसे आप एम्बेड पे क्लिक करेंगे, तो ये एम्बेडिंग का पूरा कोड आपके पास राइट हैंड पे शो हो रहा है। आप इस कोड को कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, और अपने जो आपका आई फ्रेम का टैग है, ऊपर BBC है, नीचे YouTube की वीडियो है, और उसमें आप ले जाकर ये शो कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं अब हमारी वेबसाइट के ऊपर YouTube की वीडियो किस तरीके से शो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको शो करवा देते हैं, पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ऊपर मेरे पास एक BBC वेबसाइट जो मैंने आई फ्रेम में लिखी है, वो लोड हो रही है, और नीचे मेरे पास YouTube की वीडियो शो हो रही है। तो ये बहुत आसान है हमारे पास करना, और बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत यूज होता है इसमें हमारे पास, कि हम किस तरीके से दूसरी वेबसाइट का कंटेंट अपनी वेबसाइट में शो करवा सकते हैं। बट एक बात याद रखिएगा कि हर वेबसाइट आपको अलाउ नहीं करेगी वेबसाइट का को शो करना अपनी वेबसाइट में। जो अलाउ करती हैं, यूट्यूब की कुछ वीडियोज अलाउ करती हैं, कुछ अलाउ नहीं करती, तो वो आपका उसके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? तो यहाँ पे आप विड्थ चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कुछ फ्रेम बॉर्डर हटा सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप क्या कहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द यूजेज ऑफ आई फ्रेम। आई होप यू गॉट द पॉइंट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, दैट विल बी मोर इनकरेजमेंट टू मी। सो आप शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।